चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे IAS PCS प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए कुछ आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं और उनके आंसर बताए जा रहे हैं। तो इस तरह के हम लोग 15 अभी तक टेस्ट खत्म कर चुके हैं। और याद रखिए, इसमें वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस शामिल किए जाते हैं जो या तो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या पूछने की बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो याद रखिए, कई लोगों का कहना है कि मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे जो भी आपकी क्लास आती है वो आप तक नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग 16वें टेस्ट का क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्या है, पहला क्वेश्चन हमारे सामने, याद रखिए, इस तरह की आपके जिस भी परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाएं, आप लोग वनडे एग्जाम में देखते हैं कि SSC, बैंक, रेलवे, इस तरह के TET हो गया, शिक्षक हो गया, उनमें आप देखते हैं कि एक लाइनर में आपका क्वेश्चंस हो जाता है, उसके बाद चार ऑब्जेक्टिव दे दिए जाते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि सिविल सर्विस यान और स्टेट PCS यानी कि IAS प्रीलिम्स, और जैसे बिहार PCS हो गया या उत्तर प्रदेश PCS हो गया या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि MPPSC का हो गया, उसमें आप देखते हैं कि तीन कथन दे दिए जाएंगे, फिर आपको नीचे चार ऑप्शन दिए जाएंगे, यानी कि एक तरह से आपको फंसाने वाले क्वेश्चंस बताएंगे। आप जानते हैं कि ये परीक्षाएं पास करना मुमकिन नहीं होता है, मतलब मुश्किल होता है, इसलिए मतलब सरल नहीं रख दिए जाएंगे क्वेश्चंस के। आपको SSC का क्वेश्चंस बना देंगे या आपका रेलवे वाला क्वेश्चंस बना देंगे, तो आप देखेंगे कि 10 से 15 लाख लोग पेपर देंगे और 10 से 15 लाख ही लोग मेंस में बैठ जाएंगे, तो कितना खर्च बढ़ जाएगा। इसलिए एक तरह से प्रीलिम्स इसलिए रखा जाता है कि इससे छटनी हो जाए, यानी कि लोग बाहर हो जाए और जो मतलब अच्छे से तैयारी की है जिन्होंने, वो जाकर परीक्षा दें। तो इसलिए आपको थोड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और थोड़े टफ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। इसीलिए तो आपसे बोला जाता है कि आप लोग NCERT बड़े अच्छे से कवर कर लें, और हमारी तरफ से भी आपकी NCERT कवर करवा दी गई है, और PDF सभी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लें। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ब्लैक होल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। ब्लैक होल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, यह शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र है, यह शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र है। आप जानते हैं, बिल्कुल सही है, केवल प्रकाश ही इससे गुजर सकता है, केवल प्रकाश ही इससे गुजर सकता है, बिल्कुल गलत है, यह एक निर्वात क्षेत्र है, ये भी आपका बिल्कुल गलत है। मैं बार बार हर टेस्ट में आपसे एक शब्द बोलता हूं कि इस कथन को बड़े गौर से, बड़े ध्यान से आप एक से दो बार पढ़ लिया करिएगा, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि आते हुए क्वेश्चन हम लोग गलत कर बैठते हैं इस कथन की वजह से केवल। तो याद रखिए, या तो आप पहले पढ़ सकते हैं, ऐसे पढ़ सकते हैं, ब्लैक होल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, फिर इसमें यहाँ देख सकते हैं कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, फिर आप इन कथनों को पढ़ सकते हैं, और या आपको जैसे भी आपको सूटेबल लगे आप कर सकते हैं। तो इसमें आपने देखा है, पहला कथन सही है आपका, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, लेकिन इसमें पूछा क्या है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, क्या पूछा है, सही नहीं है। तो आप देख रहे हैं, 2 और 3 सही नहीं है। अगर आपसे पूछता कि सही है तो आप क्या बताते, केवल एक कथन सही है, लेकिन इसमें 2 और 3 गलत है। क्यों गलत है उसके बारे में भी बता देता हूँ। आप जानते हैं कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा स्थान है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी इससे होकर नहीं गुजर सकता है, प्रकाश भी इससे होकर नहीं गुजर सकता है। आप लोगों ने सुना होगा कि कई आपके एरोप्लेन भी इसमें समाहित हो गए हैं, यानी कि इतनी गुरुत्वाकर्षण क्षमता इतनी शक्तिशाली है कि अगर आप इसके आसपास भी पहुंच जाएंगे तो आपको अंदर खींच लेगा, यानी कि आप समझ सकते हैं कि प्रकाश भी इससे नहीं गुजर सकता है। गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल इसलिए होता है क्योंकि इसमें पदार्थ एक बहुत सी छोटी स्थान में संकुचित रहता है, और आप जानते हैं कि जितने कम जगह में संकुचित रहेंगे उतना इनमें गुरुत्वाकर्षण अधिक देखने को मिलेगा, और इस तीव्र गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के कारण कोई भी पदार्थ या फिर कोई भी विकिरण हो इससे बाहर नहीं निकल सकता है, इस प्रकार प्रकाश भी इसको पार नहीं कर सकता है, इस कारण वश ये आदेश होते हैं, और ब्लैक होल का पता केवल विशेष उपकरणों वाले अंतरिक्ष दूरबीन से लगाया जाता है। ठीक है, और ब्लैक होल किसी भी वस्तु को अपनी ओर नहीं खींचता है, खिंचाव या सक्शन टैब होता है, जब किसी वस्तु को निर्यात में खींचा जाता है,
अतः ब्लैक होल निश्चित रूप से निर्वात नहीं है, निर्वात नहीं है। बिग बैंग के तुरंत बाद छोटे आकार के ब्लैक होल बने होंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने पहली बार सापेक्षता के अपने सामान्य सिद्धांत के साथ वर्ष 1916 में कब 1916 में ब्लैक होल के होने का पूर्व अनुमान व्यक्त किया था। वर्ष 1971 में पहले ब्लैक होल की खोज की गई, जिसे सिग्नस एक्स वन कहा गया। तो ये सभी याद रखिए ब्लैक होल के बारे में, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपका हमेशा बनता रहता है। तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, सही नहीं है। तो आपने देखा है कि दो कथन भी सही नहीं था और तीसरा भी सही नहीं था, इसमें केवल आपका एक सही था, दो और तीन को हम लोगों ने मिलकर सही बना दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या है क्वेश्चन हमारे सामने, गुरुत्वीय तरंगों का निर्माण होता है, गुरुत्वीय तरंगों का निर्माण होता है जब पिंड अत्यधिक तेज गति से चलते हैं। बिल्कुल सही है। जब किसी तारे में विषमतापूर्ण ढंग से विस्फोट होता है। बिल्कुल सही है। जब दो बड़े तारे एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। बिल्कुल सही है। जब दो ब्लैक होल एक दूसरे की परिक्रमा करते हुए विलीन हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। इसमें आपके चारों कथन सही है। क्या है, चारों कथन सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है हमें, तो चारों शामिल है इसमें। एक बात और आपको बताऊं यार, कि इस तरह के आपके क्वेश्चंस जो आते हैं वो आप लोगों को बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग गलत करते हैं, तो इसी की वजह से, इस पॉइंट की वजह से। तो मैं तो कहता हूँ कि एक से दो बार बड़े ध्यान से इन्हें पढ़ लिया करिएगा, और समय रहते हुए आप लोग NCERT पढ़ लें, क्योंकि बिना NCERT पढ़े आप कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं। ठीक है, उन लोगों का छोड़िए जो लोग कह देते हैं कि मैंने NCERT नहीं पढ़ी है, मैं सिविल सर्विस में या हो चुका है या कुछ भी, इस तरह की बातें करते रहते हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि जो CBSE बोर्ड होता है उसमें NCERT पढ़ाई जाती है, तो वो वहाँ पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर आप किसी बोर्ड से, यानी कि स्टेट से होते हैं, और MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, इस तरह के एग्जामों में आप देखते हैं कि जो भी आप कक्षा पढ़ते हैं 10वीं 12वीं 11वीं इस तरह की, तो उनमें आपकी NCERT बुक्स नहीं पढ़ाई जाती। तो आप लोग एक से दो बार पढ़ लें। मैं तो कहता हूँ कि जिसने पढ़ ली हैं वो भी एक से दो बार पढ़ लें, कक्षाओं में पढ़ी होंगी पिछली, और सभी लोग एक से दो बार कम से कम मिनिमम पढ़ लें। ठीक है, और याद रखिए मेरी कोशिश रहती है कि क्वेश्चंस हमेशा सही बताता हूँ आंसरों का, लेकिन फिर भी अगर गलती हो जाती तो आप नीचे थोड़ा विस्तार से लिख दिया करिएगा, जिससे ऐसा होता है कि हमारा कोई भी, आपका परिवार, हमारा परिवार का मेंबर कोई आएगा तो वो आसानी से पढ़ लेगा और समझ लेगा। ठीक है, एक परिवार की तरह हम सबको मिलकर चल रहे हैं। और 2017 में आपने देखा होगा कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार राइनर वाइस और बेरी बेरिस और किप थॉर्ने को लीगो डिटेक्टर यानी तथा गुरुत्वीय तरंगों के अवलोकन के योगदान के लिए दिया गया था। ये भी आपसे कई बार पूछ लेगा। तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, डी ऑप्शन सही है। इसमें गुरुत्वीय तरंगे स्थान समय की फैब्रिक में उत्पन्न होती हैं, रिपल यानी कि लहरें हैं जो ब्रह्मांड में सबसे अधिक हिंसक और ऊर्जावान विक्रियाओं के कारण उत्पन्न होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें आपका डी था। इस तरह के क्वेश्चंस आपके और अधिक पूछे जाते हैं कि समाचारों में रही सिरसी सुपारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसके लिए आप कर सकते हैं कि आप लोग एक न्यूज़पेपर कम से कम डेली पढ़ा करिएगा, फिर चाहे आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो आप दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं, और आपके पास अगर सुविधा है तो दैनिक जागरण और जनसत्ता पढ़ सकते हैं। एक काम और कर सकते हैं, अगर आपके पास सुविधा नहीं है इस तरह की, तो ऑनलाइन ई-पेपर से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, और इंग्लिश के तो आपके लिए द हिंदू बेस्ट है। ठीक, यह एक प्रकार की सुपारी है जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया। ये आपका बिल्कुल सही है। इसका उत्पादन मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू और लाहौल क्षेत्र में किया जाता है। ये आपका गलत है। पूछ के आ रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, तो इसमें केवल एक कथन आपका सही है, दूसरा गलत क्यों है। क्योंकि आप देखेंगे
सिरसी सुपारी को कर्नाटक के पश्चिमी घाट क्षेत्र में स्थित उत्तर कन्नड़ जिले की सिरसी, सिद्रापुर और एल्लापुर तालुक के क्षेत्र में उगाई जाने वाली सुपारी के रूप में परिभाषित करता है। ठीक है, सिरसी सुपारी की एक और खासियत है, कार्बोहाइड्रेट की कुल मात्रा लगभग 23% से 26% तक इसमें आपको देखने को मिलेगी। कितनी? 23 से 26% देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, याद रखिए, या आपके जो भी इस तरह की प्राकृतिक वस्तुएं हो गई या औद्योगिक हो गया कृषि क्षेत्र में, भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999 के अनुसार जारी किए जाते हैं। ठीक है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें केवल आपका एक सही है, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित है? तो आप जानते होंगे कि परम शिवाय। कौन है? परम शिवाय है। परम शिवाय की अगर हम क्षमता की बात करूं तो इसका 883 टेराफ्लॉप क्षमता का है ये सुपर कंप्यूटर, 883। ठीक है, याद रखिए। ये आपका कितनी लागत है इसमें? 32.5 करोड़ रुपए की लागत से बना है परम शिवाय। क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में कौन हाल ही में समाचारों में रही मिशन शक्ति का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? मिशन शक्ति, तो आप देखेंगे एक निम्न कक्षा वाले उपग्रह को लक्षित करने के लिए उपग्रह रोधी मिसाइल प्रौद्योगिकी का प्रयोग। ये आपका सही है, बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा कि हाल ही में आपके DRDO द्वारा, अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा, उपग्रह रोधी प्रणाली या एंटी सैटेलाइट सिस्टम निम्न भूकक्षा में एक क्रियाशील उपग्रह को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है। इस अभियान को हम लोगों ने मिशन शक्ति नाम दिया है। क्या? मिशन शक्ति। अब आप जानते हैं कि अब वो युद्ध खत्म हो गया, आमने सामने वाले लड़ने वाले, अब आप किसी देश को हराना चाहेंगे तो अंतरिक्ष में उसके जो भी सैटेलाइट हैं उन्हें खत्म कर दीजिए। एक तरह से वो देश हार चुका होगा, तो आने वाले दिनों में इसी तरह का युद्ध देखने को मिलेगा। तो इसमें हम लोगों ने भी सफलता प्राप्त कर ली है। और एक बात और बताऊँ आपको, भारत इस मिशन के बाद USA, रूस, चीन के बाद चौथा देश बन गया जिसके पास ये शक्ति है, यानी कि ये तकनीक है। कौन पहला है? USA, रूस और चीन के बाद भारत का नंबर आता है। ठीक है, हमसे पहले US, रूस और चीन ने इस तरह की शक्ति प्राप्त कर ली थी, भारत चौथे नंबर पर है। क्वेश्चन है हमारे सामने, गिल्ट फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? गिल्ट फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? गिल्ट फंड निवेशक अपने धन का निवेश केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में करते हैं। बिल्कुल सही है आपका। क्या है? एक कथन बिल्कुल सही है। गिल्ट फंड के साथ ब्याज दर जोखिम नहीं जुड़ा होता है। यह आपका गलत है। क्या है? ये आपका गलत है। दूसरा कथन गलत है। क्यों गलत है उस पर भी बात कर लेते हैं। जब भारत सरकार को धन या ऋण की आवश्यकता होती है तो भारतीय रिजर्व बैंक किससे संपर्क करती है? और उसके पश्चात आप देखेंगे कि RBI बीमा कंपनियों और बैंकों जैसे अन्य संस्थाओं से धन लेने के बाद सरकार को उधार देता है, और दिए गए ऋण के बदले RBI एक विशिष्ट अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियां राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार को भी जारी करता है, जिसका अभिदाता गिल्ट फंड का फंड मैनेजर होता है। परिपक्वता पर यह गिल्ट फंड सरकारी प्रतिभूतियों को लौटा देता है और बदले में धन प्राप्त करता है। एक तरह से आप इस तरह से ले लीजिए, आपको उधार चाहिए, आप किसी एजेंसी के पास जाएंगे, आपकी जो भी इस तरह की एजेंसी होगी, मान लीजिए आप RBI के पास गए, RBI से आप कहेंगे कि हमें उधार चाहिए, हमें धन की आवश्यकता है, तो RBI क्या करेगी कि आपके नाम से कुछ एक तरह से रसीद काट देगी। ठीक है, और बाजार में उन्हें बेच देगी। और याद रखिए, रसीद का मतलब यह है कि गारंटी रहेगी उसकी, तो लोग क्या होंगे कि लोग ऐसे खरीद लेंगे, जैसे हम लोग प्रतिभूति कहते हैं।
और प्रतिभूति खरीद लेंगे तो जो खरीद का पैसा आएगा वो सरकार को दे दिया जाएगा, और एक समय खास अवधि के लिए इस तरह की प्रतिभूतियां मान्य होती हैं, उसके बाद वापस हमें पैसा करना पड़ता है। और कुछ आप सोचिए कि कुछ उन्हें मतलब ब्याज भी देना पड़ता है, जो भी खरीदेगा वो फ्री में तो खरीद नहीं लेगा, और वो आप सोचिए कुछ फायदे के लिए ही खरीदेगा, तो इस तरह से चलता रहता है। गिल्ट फंड रेट बाजार के साधन है और इनमें साख जोखिम यानी कि क्रेडिट रिस्क बहुत कम होता है, लेकिन इनका रिटर्न ब्याज दरों के बदलाव पर अत्यधिक निर्भर होता है। इनमें ब्याज दर का जोखिम जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें आपका केवल एक कथन सही था। क्या था? सही कथन पूछ रहा था, तो केवल एक सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत शीतलन कार्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। भारत शीतलन कार्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। इसका लक्ष्य 2037-38 तक शीतलन हेतु ऊर्जा आवश्यकताओं को 25 से 40% तक कम करना है। क्या है? बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। या उत्पादों की क्षति को कम करने और शीत श्रृंखला के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में मदद करेगी। बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आप देख रहे हैं दोनों कथन इसमें सही है, एक कथन भी सही है और दूसरा भी सही है। भारत विश्व के प्रथम राष्ट्रों में से है जिसने एक विस्तृत कूलिंग एक्शन प्लान यानी कि शीतलन कार्य योजना विकसित किया है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की कूलिंग आवश्यकताओं को पूरा करने का दीर्घकालिक दृष्टिकोण है, या कूलिंग की मांग को कम करने के तरीकों को सूचीबद्ध भी करता है। ठीक है, अगर इंडिया कूलिंग एक्शन के हम लक्ष्यों की बात करें तो 2037-38 तक विभिन्न क्षेत्रों में शीतलन मांग को 20 से 25% तक कम करना है, और वर्ष 2037-38 तक रेफ्रिजरेंट मांग को 25 से 30% तक कम करना है, और 2037-38 तक शीतलन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता को 25 से 40% तक कम करना है, और शीतलन और से जुड़े क्षेत्रों को राष्ट्रीय विज्ञान एवं तकनीक कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसंधान के लिए प्रमुख क्षेत्रों के रूप में पहचान दिलाना है, और वर्ष 2022-23 तक कौशल भारत योजना के तालमेल से सर्विसिंग सेक्टर के लिए 1 लाख कितना 1 लाख तकनीशियों को प्रशिक्षण देना और प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, याद रखिए। और इन सभी प्रयासों से आप देखेंगे कि पर्यावरण लाभों के अलावा अन्य दूसरे लाभ भी प्राप्त होंगे हमें। कौन कौन से? सभी को गर्मी से राहत मिलेगी और स्थायी शीतलन भी रहेगा, किसानों की आय दुगनी होगी। इस पर आप लोग ने देखा है कि हमारे प्रधानमंत्री साहब कह चुके हैं कि हमें किसानों की आय दुगनी करनी है। आप देखेंगे बेहतर आजीविका और पर्यावरण संरक्षण के लिए कुशल कार्यबल भी मिलेगा, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, ये सभी इसके लाभ होंगे। तो इसमें क्या था आपका? एक ऑप्शन भी सही था और दूसरा भी सही था, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन? समाचारों में रही बोल्ड QIT परियोजना है। समाचारों में रही बोल्ड QIT परियोजना है। भारत बांग्लादेश सीमा पर व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत एक परियोजना। ये आपका बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। असम के धुबरी जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत आपकी बोल्ड QIT बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड QRT इंटरसेप्शन तकनीक परियोजना है। ठीक है, ये धुबरी के नदी क्षेत्र में बाढ़ नहीं लगा पाने के कारण होने वाली समस्याओं को दूर करने हेतु गृह मंत्रालय ने सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF की मानव शक्ति क्षमताओं के विस्तार के लिए एक तकनीकी समाधान का उपयोग करने के लिए निर्णय लिया है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। और इस परियोजना के से क्या क्या लाभ मिलेंगे? मानव शक्ति, सेंसर नेटवर्क, खुफिया सूचनाओं और कमांड व कंट्रोल जैसे समाधानों में के एकीकरण में मदद भी मिलेगी हमें।
ठीक है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। एक काम कर सकते हैं आप लोग, इसे पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, उसके बाद आप लोग अच्छे से बैठकर पढ़ते रहें, ठीक है। समाचारों में रहा एटमॉस्फेरिक वेव्स एक्सपेरिमेंट AWE मिशन संबंधित है। समाचारों में रहा एटमॉस्फेरिक वेव्स एक्सपेरिमेंट AWE मिशन संबंधित है। यह है ऊपरी वायु में अंतरिक्ष मौसम को संचालित करने के लिए वायुदीप्ति एयरलोगों पर ध्यान केंद्रित करेगा। बिल्कुल सही है। यह इस बात की जांच करेगा कि सौरकण तूफान कितनी अधिक तेजी से सौरमंडल में मुक्त होते हैं। यह आपका गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? सही नहीं है। अब देखिए, यही आप लोग देख सकते हैं कि अगर आपसे पूछता कि सही है तो आप केवल एक सही था, और आपसे यहाँ पूछ लिया है उसने कि क्या सही नहीं है, तो आप क्या लगाएंगे? बी ऑप्शन, केवल दूसरा कथन सही नहीं है। क्यों सही नहीं है उस पर भी बात कर लेते हैं हम लोग। यह आप देखेंगे सनराइज मिशन है जो इस बात की जांच करेगा कि अंतरिक्ष मौसम तूफान, जिस सौरकण तूफान कहा जाता है, जिसे सूर्य से कितना विशाल है और सौरकण तूफान कितनी अधिक तेजी से सौरमंडल में मुक्त होते हैं, इसका अध्ययन करेगा। ठीक, याद रखिए। नासा ने $42 मिलियन की लागत से एटमॉस्फेरिक वेव्स एक्सपेरिमेंट मिशन शुरू किया है। किसने? नासा ने। ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है, जो हमारे ग्रह के चारों ओर मौजूद विशाल अंतरिक्ष की मौसम प्रणालियों की को समझाने और अंततः उसके बारे में पूर्वानुमान व्यक्त करने में वैज्ञानिकों की मदद भी करेगा। और यह ऐसा पहला प्रयोग होगा जो पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल के एक गतिशील क्षेत्र में अंतरिक्ष मौसम के महत्वपूर्ण कारक का वैश्विक अवलोकन करेगा, जो रेडियो और GPS संचार को बाधित भी कर सकता है। तो ये नासा का है, ठीक है, याद रखिए। और हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो। क्या है? इसरो। ये सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना चाहिए। क्वेश्चन है हमारे सामने, राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यह खनिजों के उत्खनन, परिवहन के लिए तटीय जलमार्गों और अंतर्देशीय नौ परिवहन के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करती है। बिल्कुल सही है। यह निजी क्षेत्रों में खनन के वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए खनन गतिविधियों को उद्योग का दर्जा देने का प्रस्ताव करती है। बिल्कुल सही है। क्या पूछ रहा है? सही कथन पूछ रहा है। तो एक कथन भी आपका सही है और दूसरा भी आपका बिल्कुल सही है, यानी कि आपके दोनों कथन सही है। आपने देखा होगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 को मंजूरी दी थी। इस परियोजना में आप देखेंगे कि प्रभावित व्यक्तियों, विशेषकर रूप से आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान करने के साथ ही भविष्य में खनन क्षेत्र के सतत विकास और अधिक प्रभावी विनिमय को सुनिश्चित करेगी है। ठीक है, तो इसमें आप लोग दोनों कथन आपके सही थे। इस तरह की जो भी आपकी नीति आती है, नई, जैसे आपकी नई, आपने देखा है शिक्षा नीति आई है, तो उसके बारे में आप लोग बड़े अच्छे से पढ़ लिया करिएगा और उसके बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट रहते हैं उन्हें निकाल के रख लिया करिएगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप सही करने की स्थिति में भी पहुंच जाते हैं। निम्नलिखित युगों पर हमें विचार करना है। ये आपके सैन्य अभ्यास हो गए और भागीदार देश है, यानी कि जो शामिल देश हैं, और हमें क्या बताना है? सही सम्मिलित बताना है। अल नगा है, भारत ओमान के बीच होता है। बिल्कुल सही बात है। अल नगाह किस किस के बीच होता है? भारत और ओमान के बीच। AFINDEX19 ये भारत अफगानिस्तान के बीच होता है, ये भी बिल्कुल सही है। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। यानी कि तीनों आपके सही हैं, बिल्कुल, यानी कि सही इनका एक तरह से जोड़ है।
क्या है सही आपका है, अल नगार आपका भारत ओमान, और ठीक है। और एक बात और याद रखिए, हाँ माफ करिएगा, जो AFINDEX ये आपका किस किस के बीच होता है, अफ्रीका और भारत फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास है, ये अफ्रीकी देशों के मध्य किया जाता है, किसके बीच, अफ्रीकी देशों के बीच, ना कि इसमें आप सोचिए अफगानिस्तान के बीच नहीं होता है, ठीक है, गलती से बता देता, इसमें अफगानिस्तान की जगह आपका अफ्रीका होता तो सही होता। तो याद रखिए ये आपका किसके बीच होता है, अफ्रीका के बीच, ठीक है, याद रखिए। तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, सही सम्मिलित बताना था, तो एक और तीन सही था इसमें, दूसरा आपका गलत था, एक और तीन सही था, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही था। डी ऑप्शन कैसा था, बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था। अगर आपका इस तरह के जो भी हुआ करें आपके, इनके बारे में भी याद रख लिया करेगा, क्योंकि मैंने देखा है कई बार क्वेश्चंस बन चुके हैं इनसे, क्या है, कई बार बन चुके हैं, कई बार क्वेश्चंस आपके बनते रहते हैं। तो जिस जिस के भी होते हों इस तरह, जब भी आप लोग पेपर देने जा रहे हो उस साल में अगर हो रहे हैं इस तरह के, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। चलें तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक हैं, इनमें कौन, इनमें होती है, क्या होती है, प्रोटियम, प्रोटीमियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक हैं, इनमें होती है, न्यूट्रॉन की समान संख्या, समान परमाणु भार, प्रोटोनों की संख्या समान, समान परमाणु संख्या। तो इसमें आपका तीसरा और चौथा सही होगा, तीन और चार सही होगा, लेकिन इसमें एक और दो बिल्कुल गलत होगा। समस्थानिक का यानी कि आइसोटोप, आइसोटोप एक विशिष्ट रासायनिक तत्व के प्रकार हैं जिनमें आप देखेंगे कि न्यूट्रॉनों की संख्या में भिन्नता होती है, और किसी दिए गए तत्व के सभी आइसोटोप के प्रत्येक परमाणु में प्रोटोनों की संख्या समान होती है, इसलिए उनका परमाणु क्रमांक समान होता है, क्या होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है। एक तत्व के विभिन्न आइसोटोप्स आवर्त सारणी पर एक ही स्थान पर स्थित होते हैं, चूंकि उनमें आप देखेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, इसलिए सभी आइसोटोपों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। अगर हम संभारिक की बात करें तो संभारिक विभिन्न रासायनिक तत्वों के परमाणु होते हैं जिनमें आप देखेंगे कि न्यूक्लियंस की संख्या समान होती है, ठीक है। तो इसमें आपका तीन और चार बिल्कुल सही है, सही नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है हमें, तो आप इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन कैसा है हमारा, बिल्कुल सही है। चलते अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित युग्मों पर हमें विचार करना है, निम्नलिखित युग्मों पर क्या करना है, विचार करना है, ये आपकी मिश्र धातु हो गई, ये संयोजन हो गए, क्या हो गए, मिश्र धातु संयोजन, कांसा, तांबा और जस्ता, गलत है आपका, और पीतल, तांबा और टिन, ये भी आपका गलत है, टांका, टंका, सीसा और टिन, ये आपका बिल्कुल सही है, क्या है, तीसरा आपका बिल्कुल सही है, तीसरा कथन आपका कैसा है, बिल्कुल सही है। याद रखिए अगर हम लोग मिश्र धातु जैसे धातुएं यौगिक होती हैं जिसमें आप देखेंगे दो या दो से अधिक हो सक अधिक धातु भी हो सकती हैं और अधातुओं से भी बनी होती हैं, सामान्यतः आप देखेंगे मिश्र धातुओं के उदाहरणों में शामिल रहती है स्टील, लोहे और कार्बन का एक संयोजन होता है, जिसमें आप देखेंगे कि लोहा धातु हो गया, कार्बन गैर धातु हो गई, कांसा, इसमें आप देखेंगे धातु, सॉरी तांबा, कांसा किससे बनता है, तांबा और टिन से, तांबा
टिन से बनता है आपका कांसा, याद रखिए। पीतल की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे तांबा और जिंक से आपका बनता है, तांबा और जिंक से क्या बनता है, पीतल। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, तो आप लोग बड़े अच्छे से याद रख लीजिए। तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, केवल तीसरा आपका कथन सही था और बाकी एक और दो बिल्कुल गलत थे। क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है हमें। ये आपके एंजाइम हो गए और ये पोषक तत्व हो गए आपके, ये एंजाइम हो गए और एक पोषक तत्व हो गए। एमाइलेज, वसा गलत है, लाइपेज स्टार्च ये भी आपका गलत है, टिप्सिन ये प्रोटीन ये आपका बिल्कुल सही है, तीसरा कथन आपका बिल्कुल सही है। पूछ क्या रहा है, सही सम्मिलित पूछ रहा है आपसे, तो आप तीसरा केवल सही है इसमें, एक और दो गलत है। एक दो गलत क्यों है उस पर भी बात कर लेते हैं हम लोग। विभिन्न एंजाइम्स भोजन को शरीर द्वारा अवशोषण योग्य बनाने के लिए उन्हें सरल अणुओं में तोड़ने के उपयोग में आते हैं। यह प्रक्रिया आपकी मुंह से ही शुरू हो जाती है, कहाँ से, मुंह से ही, यानी कि जब आप खाना चबाते हैं तभी से शुरू होने लगती है। हमारे मुंह में आप देखेंगे लार यानी कि सलाइवा में एमाइलेज होता है जो स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देता है आपका, तो आप कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपकी मुंह से ही शुरू हो जाता है। छोटी आंत में देखेंगे आप लोग लाइपिड जो अग्नाशय द्वारा उत्पादित होता है, और वसा को वसा युक्त अम्ल फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है, जबकि एंजाइम आप देखेंगे ट्रिप्सिन प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ता है आपका, ठीक है। तो याद रखिए, तो इसमें आपका केवल तीन सही था, तो हम लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन कैसा है, बिल्कुल सही है। और आपकी साइंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, याद रखिए, आपका जो भी इस तरह की सामान्य जानकारी होती है मानव शरीर से, समझ रहे हैं, इसी से पाचन हो गया और भी मानव विज्ञान, एक तरह से आप कह सकते हैं कि बायोलॉजी में आप मानव विज्ञान जरूर अच्छे से पढ़ लिया करिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स से आपके कम ही क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन आपके इससे अधिक क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने, फ्यूल सेल प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्यूल सेल प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है, विचार करना है। यह हाइड्रोजन की रासायनिक ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करती है, यह हाइड्रोजन की रासायनिक ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करती है, एक कथन आपका बिल्कुल सही है, क्या है, बिल्कुल सही है। इसका इस्तेमाल इमारतों में विद्युत प्रदान करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन लैपटॉप जैसे छोटे उपकरणों के लिए नहीं, ये आपका गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो केवल एक कथन सही है आपका, क्या है, एक कथन आपका यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा किस लिए गलत है, दूसरा किस लिए गलत है, क्योंकि आप देखेंगे ईंधन सेल एक रासायनिक सेल होता है, विद्युत रासायनिक सेल होता है जो ऑक्सीजन अन्य ऑक्सीकृत एजेंट के साथ एक विद्युत रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ईंधन से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और ईंधन सेल तकनीकी क्षमता, दक्षता, प्रामाणिकता, सघनता, शोर मुक्त संचालन की सुविधा प्रदान करता है। ईंधन सेल पर्यावरणीय रूप से अनुकूल होता है, और ईंधन सेल विकेंद्रीकृत विद्युत उत्पादन और ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए उपयोग है इसका, ठीक है, तो याद रखिए। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, नैनो प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। नैनो प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर पदार्थ अपने सूक्ष्म आकार की तुलना में भिन्न तरीके से व्यवहार करता है, ये बिल्कुल सही है। इसका इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधनों, चिकित्सा निदान, दवा वितरण, जल शुद्धिकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि में किया जा सकता है, ये भी आपका सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो आपके दोनों कथन सही हैं, एक कथन भी सही है और दूसरा भी सही है, आपसे पूछ भी रहा है, सही कथन को पूछ रहा था। आपने देखा होगा कि पहली बार नैनो प्रौद्योगिकी की अवधारणा
वर्ष 1959 में एक आपके विख्यात भौतिक विज्ञानी थे रिचर्ड फेयरमन ने दी थी। यद्यपि एरिक ड्रेक्सलेयर ने इस शब्द की को वास्तव में लोकप्रिय बनाया। बड़े अजीब नाम होते हैं, समझ रहे हैं। नैनो प्रौद्योगिकी में आप देखेंगे कि एक परमाणु पैमाने पर पदार्थों से छेड़छाड़ का अध्ययन होता है इसमें, और नैनो प्रौद्योगिकी का मुख्य विषय है कि 100 नैनोमीटर से कम के एक पैमाने पर पदार्थ को नियंत्रित करना। साथ ही साथ इसमें देखेंगे लंबाई के पैमाने पर डिवाइसेस की जालसाजी पर लगाम भी लगाना होता है। चलिए, तो इसमें आपके दोनों कथन हमारे बिल्कुल सही है। एक आपको साइंस टेक से भी आपके क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसे भी आप लोग बड़े अच्छे से पढ़ते रहिए। और जब भी कोई आपके अंतरिक्ष यान छोड़ा जाता है या सैटेलाइट इस तरह की कुछ व्यवस्था होती है, तो आप उनसे भी जुड़े रहिए, उनसे भी आपके क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने, दृष्टि के तीन सामान अपवर्तक दोषों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। आप जानते हैं कि दृष्टि के तीन सामान्य अपवर्तक दोषों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। आपने सुना होगा दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, तो इन्हीं की बात की जा रही है। तो पहला इसमें कथन है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। दूरस्थ वस्तुओं को नहीं देख सकता है, इसे आप लोग नजदीक देखने की क्षमता भी कहते हैं, मायोपिया को कहते हैं वो तो। और आपकी जो हाइपर, इसे दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं, दूर की वस्तुएं देखने की क्षमता भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आपका गलत है बिल्कुल। मायोपिया को दूरदृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है, ये आपका गलत है, क्योंकि आपको बता चुका हूँ कि हाइपरमेट्रोपिया को क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष के रूप में हम लोग जानते हैं। लेकिन जो आपका मायोपिया है, ये आपका निकट दृष्टि दोष कहलाता है। प्रेस वायोपिया आयु बढ़ने की एक स्थिति है जिसमें आँखों की अनुकूलन शक्ति कम हो जाती है, ये आपका बिल्कुल सही है। एक और दो गलत है, लेकिन तीसरा आपका सही है, और इसमें पूछा गया है सही कथन, तो केवल आप तीसरा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तीसरा। एक बात आपको बता देता हूँ कि आप मायोपिया आराम से सुन लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके बनते दिखाई देते हैं। मायोपिया, इसे नज़दीक देखने की क्षमता भी कहते हैं हम लोग। मायोपिया वाले व्यक्ति को आप देखेंगे कि पास की वस्तुएँ तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएँ उसे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, और इस विकार को उपयुक्त पावर वाले आउटर लेंस का प्रयोग करके हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो याद रखिए, कई बार आपसे पूछ लेता है कि मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को सही करने के लिए उसकी आपको कौन सा लेंस उपयोग होता है, अवतल लेंस, कौन सा अवतल लेंस। और अगर हम लोग हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि वाले की बात करूँ, तो इसमें आप देखेंगे हाइपरमेट्रोपिया से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी आपको, लेकिन पास की जो वस्तुएं होंगी वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगी। और इस तरह के विकार को सही करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका? उत्तल लेंस का। तो इसको बड़े अच्छे से याद रखिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? केवल तीसरा कथन सही था, तीसरा कथन सही था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी घटना अपवर्तन का एक उदाहरण नहीं है? आपको बताना है, जो नीचे चार ऑप्शन दिए गए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना अपवर्तन का एक उदाहरण नहीं है? तो आप जानते हैं कि सितारों का टमटमाना बिल्कुल सही है, आकाश में इंद्रधनुष, जल्दी सूर्योदय और देर से सूर्यास्त, ये तीनों आपके उदाहरण हैं। लेकिन आप देखेंगे कि आकाश का नीला रंग इसका उदाहरण नहीं है, तो इसमें आप क्या लगाएंगे? डी ऑप्शन। क्या लगाएंगे? डी ऑप्शन। अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तरंग की गति की दिशा में परिवर्तन अपवर्तन कहलाता है आपका। इसमें आप देखेंगे तारों का टिमटिमाना, आकाश में इंद्रधनुष, जल्दी सूर्योदय और देर से सूर्यास्त। अगर आपके पिकास का पिकीर्णन, आपका आकाश का नीला रंग इसी के कारण दिखाई देता है, पिकास का पिकीर्णन के कारण,
ठीक है, पानी की बूंदें धूल आदि इस तरह की से होता है फिकी ढंग के कारण। ठीक है, तो इसमें क्या हमारा डी ऑप्शन सही था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है? कार्बन में अपने अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ने की विशिष्ट क्षमता होती है जिससे बड़े अणु बनते हैं, इस गुणधर्मिता को क्या कहते हैं? कार्बन में अपने अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ने की विशिष्ट क्षमता होती है जिससे बड़े अणु बनते हैं, इस गुणधर्मिता को क्या कहते हैं हम लोग? इसे कहते हैं आप लोग श्रृंखलन। क्या कहते हैं? श्रृंखलन। यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्या है? डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रक्तदाब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? रक्तदाब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? निलय शिथिलन के दौरान धमनी के अंदर रक्त का दाब पिंकुचन दाब कहलाता है। गलत है आपका। क्या है? गलत है। सामान्य प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब क्रमशः 120 mm पारा और 80 mm होता है। ये आपका सही है। ये आपका सामान्य आप कह सकते हैं कि रक्तदाब होता है इतना। अगर इससे ज़्यादा है, इससे कम है, तो आप लोग एक तरह से डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। रक्तदाब को स्फाइगमो मैनोमीटर से नामक यंत्र से मापा जाता है। ये भी आपका कई बार पूछ लिया है। वन डे एग्जाम में आपका कई बार क्वेश्चंस बन जाता है कि आपका रक्तदाब को किस यंत्र से मापते हैं, तो ये है आपका स्फाइगमो मैनोमीटर। ठीक है, तो इसमें सही कूट का चुनाव करते हुए हमें सही उत्तर चुनना था, तो 2 और 3 सही है आपका, 1 गलत है। 1 गलत क्यों है उस पर भी बात कर लेता हूँ। वह बल जिसे रक्त धमनी की भीतरी के विपरीत डालता है उसे हम लोग क्या कह देते हैं? रक्तदाब। क्या कहते हैं? रक्तदाब। यह दबाव नसों की तुलना में धमनियों में बहुत अधिक होता है। निलय संकुचन यानी कि वेंटिकुलर सिस्टोली के दौरान धमनी के अंदर खून के दबाव को संकुचित दाब कहा जाता है। और अनुशीतलन के समय आप दौरान धमनी में दबाव डायस्टोलिक दाब कहलाता है आपका। तो एक सामान्य जानकारी याद रखिए इसमें। ठीक है, तो इसमें आप क्या लगाएंगे? सी ऑप्शन यानी कि 2 और 3 बिल्कुल सही था आपका। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बायो इनफॉर्मेटिक्स के संदर्भ में ट्रांसक्रिप्टोम पद संदर्भित है। बायो इनफॉर्मेटिक्स के संदर्भ में ट्रांसक्रिप्टोम पद संदर्भित है। एक जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूरी श्रृंखला यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल सही है हमारा। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का तरीका नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का तरीका नहीं है? तो आप देखेंगे कि पुनर्जनन ये है आपका, मुकुलन ये भी है, संयोजन ये नहीं है आपका, विखंडन भी है। तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग? सी ऑप्शन सही है। विखंडन में आप देखेंगे कि जब माता के शरीर में पुत्री का शरीर आकार ग्रहण करता है, तो प्रजनन की इस विधि को हम लोग विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। पुनर्जनन की बात करें तो अनेक भिन्न जीवों के भागों से दूसरे नए जीव उत्पन्न होने की क्षमता को हम लोग पुनर्जनन कह देते हैं। और अगर हम लोग वनस्पति प्रजनन की बात करें तो ऐसे अनेक पौधे होते हैं जिनमें जड़, तना और पत्तियां अनुकूल परिस्थितियों में एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाती है। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे कि गन्ना हो गया, गुलाब हो गया, अंगूर इस तरह के होते हैं। तो इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पुनर्संयोजित DNA प्रौद्योगिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग जीन अंतरण की अनुमति देती है। पुनर्संयोजित DNA प्रौद्योगिकी जीन अंतरण की अनुमति देती है। पादपों की विभिन्न प्रजातियों में जंतुओं से पादपों में, सूक्ष्म जीवों से उच्च जीवों में, ये तीनों आपके सही हैं।
तीनों सही है आपके, क्या है तीनों सही है। तो आप लोग क्या लगाएंगे, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या है, नैनो मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। नैनो मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग नैनो मिशन के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी है, यह आपका बिल्कुल सही है, क्या है बिल्कुल सही है। यह मिशन नैनो प्रौद्योगिकी के अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों को मूल अनुसंधान हेतु वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, यानी कि आपके दोनों सही है, क्या है दोनों सही है। मई 2007 में आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक मिशन की शुरुआत की थी, जिसे हम लोग नैनो मिशन कह देते हैं, ठीक है याद रखिए। इसके अगर लक्ष्यों की बात करें नैनो मिशन की, तो मूलभूत अनुसंधान को प्रोत्साहन करना, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए आधारभूत संरचना का विकास करना, नैनो अनुप्रयोगों और प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम, मानव संसाधन विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ये सभी इसके उद्देश्य हैं, लक्ष्य। तो इसमें आपका सी भी सही था, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सही थे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में कौन किंतिम पर्ण का उपयुक्त वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन किंतिम पर्ण का उपयुक्त वर्णन करता है। इसे ध्रुवीय क्षेत्रों में पादप गुणों पर वैज्ञानिक अनुपयोग करने के लिए विकसित किया है, यह आपका बिल्कुल गलत है। या जल और सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए पौधों की पत्तियों की नकल करता है, ये आपका बिल्कुल सही है। इसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर विकसित किया जा रहा है, ये आपका गलत है। तो इसमें क्या आंसर है आपका सही, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्या है बी ऑप्शन सही है। वैज्ञानिकों ने दुनिया के एक पहले व्यवहारिक किंतिम पर्ण का विकास किया है, जो सूर्य की रोशनी से पानी और ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है, और वैज्ञानिकों का दावा है कि इस खोज से भारत जैसे विकासशील देशों में ऊर्जा के सस्ते स्रोत का रास्ता भी तैयार होगा। और ऊर्जा ऐसा है कि हम लोग देख रहे हैं नवीकरणीय ऊर्जाओं पर भी जोर दे रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक समय बाद कोयला हो चाहे आपका पेट्रोल हो, एक ख़त्म हो जाएगा, और इनके बनने में आप देखते हैं कि सालों हजारों साल लगते हैं, तो इसके लिए एक दूसरा विकल्प ढूंढ लिया जाए, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका 16वां टेस्ट, 17वें टेस्ट में हम लोग मिलते हैं।